सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राजकुमार फोटोग्राफी। सो गाइज, आज के इस न्यू वीडियो में आप लोग कुछ इस तरह का शिवरात्रि स्पेशल फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। और इस वाले वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप अपने फेस को महादेव जैसे फेस में कैसे बना सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का फोटो एडिट करना सीखना, तो आप लोग इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। और यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो को 2 मिनट तक भी वॉच करो यार, क्योंकि मेरा हर वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन का ग्राफ नीचे की ओर जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर मेरा वीडियो में कुछ कमी है तो आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट करो, मैं उस कमी को जरूर सुधारूंगा। चलिए, अब ज्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो कर लेते हैं यहीं पे स्टार्ट। ओके डन। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ से क्या कीजिएगा, इफेक्ट वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। और यहाँ ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा ब्लर कर लीजिएगा 8% के आसपास। और सिंपली आप यहाँ से इसको डन कर दीजिएगा। और इस वाले एडिटिंग करने जितना भी स्टॉक वगैरह का यूज करूंगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। और यहाँ से अपने फोटो के कटआउट को हम लोग ऐड करेंगे। और अगर आप लोग अपने फोटो का बैकग्राउंड इम्प्रूव नहीं करने आता है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से अपने फोटो को हम जूम कर लेते हैं। और यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको फ्लिप रोटेट करेंगे। और इसको कुछ इस तरह से हम जूम करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने फोटो पर एक बार हम लोग क्लिक करते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, इफेक्ट वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ से कलर्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और 4 नंबर में आपको एक कलराइज का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। और इसके ह्यू को आप लोग 200 के आसपास रखिएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से आप लोग इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक फेस का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। और कुछ इस तरह से आप अपने फोटो को जूम करके रिस्टोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप कुछ इस तरह से इसको रिस्टोर कर लीजिएगा। चलिए, हम जल्दी से रिस्टोर कर लेते हैं। तो अब सिंपली हम यहां से इसको डन कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एडजस्ट वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। और थोड़ा क्लैरिटी को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। और थोड़ा हम ब्राइटनेस को भी इंक्रीज कर लेते हैं। और इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। और सिंपली हम यहाँ से इसको डन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और यहाँ से हेयर की PNG को हम लोग ऐड करेंगे। तो इस वाले हेयर PNG को हम लोग ऐड करेंगे। और इसको कुछ इस तरह से हम रोटेट करके अपने हेयर पर कुछ इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और सिंपली हम यहाँ से इसको डन करके ऑपेसिटी को फुल इंक्रीज करके फिर से हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एक लाइट की PNG को हम लोग ऐड करते हैं। तो इस वाले लाइट की PNG को हम लोग ऐड करेंगे। और यहाँ से ब्लेंड मोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको स्क्रीन पे करते हैं। और थोड़ा ऑपेसिटी को हम लोग डिक्रीज करके कुछ इस तरह से इसको जूम आउट करके यहाँ की साइड इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। अगेन ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और यहाँ से PNG को हम लोग ऐड करते हैं। तो इस बार हम इस वाले PNG को ऐड करेंगे। और इसको कुछ इस तरह से हम जूम करके कुछ इस तरह से इसको हम नीचे की ओर एडजस्ट करके यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। और अगेन ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और फिर से एक PNG को हम लोग ऐड करेंगे। तो इस बार हम इस वाले PNG को ऐड करेंगे। और इसको कुछ इस तरह से हम जूम करके यहाँ की साइड इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम अगेन ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और यहाँ से एक महादेव वाले तिलक PNG को ऐड करेंगे। तो इस बार हम इस वाले दोनों PNG को ऐड करेंगे। और इस वाले PNG को कुछ इस तरह जूम आउट करके अपने फेस पर हम कुछ इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। और इस वाले टेक्स्ट के PNG को हम जूम करके यहाँ की साइड इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको कलर को भी चेंज कर लेते हैं। और यहाँ से इसको डन करके
कुछ इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा पिक्सार्ट का जितना भी वर्क था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब सिंपली हम यहाँ से इस वाले आइकॉन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम गैलरी में सेव कर लेते हैं और इस वाले फोटो को हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा वाइब्रेंस को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं और मिक्स टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे और इसके ह्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं और इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और रेड कलर पर क्लिक करके इसके भी सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं और इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में थोड़ा विग्नेट को ऐड कर लेते हैं और थोड़ा टेक्सचर को भी ऐड कर लेते हैं और शार्पनेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में शार्पनेस ऐड करेंगे और डिटेल्स को भी इंक्रीज कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना अच्छे हमारा फोटो में कलर ग्रेडिंग हो गया है। तो अब सिंपली हम यहाँ शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव टू डिवाइस कर देते हैं।